नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए। इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के द्वारा दिए गए एक बड़े बयान की तरफ से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला बोला है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा बड़े आरोप भी लगाए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहिए आखिरी तक और हम आपको बताएंगे आखिर मायावती ने क्या कुछ हमला बोला, क्या कुछ बड़े आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर। तो आइए हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तारपूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, मायावती की जो सरकार थी तो माननीय श्री कांशीराम जी के नाम से कांशीराम आवास कॉलोनी बनाई गई, तो उसमें गरीबों को छत मिली थी, उनको बसने के लिए घर मिला था। मायावती ने गरीब आवास जो आवास बनाए थे उनमें गरीब लोग रहते थे। पर साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने मायावती के द्वारा किए जा रहे अच्छे अच्छे कामों पर रोक लगा दी। तो मायावती ने इसी सब की नाराज़गी जताते हुए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर ट्विटर हैंडल से लिखा है, BSP सरकार के दौरान यूपी के विभिन्न जिलों की तरह आगरा में भी गरीबों के लिए आवास बनाए गए जिसकी जन सराहना हुई, किंतु सत्ता परिवर्तन के कारण जनहित की ऐसी कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं जिन्हें पहले सपा व अब भाजपा सरकार ने देशपूर्ण व्यवहार करते हुए पूरा नहीं किया। अति दुखद, मायावती ने बोला है कि इन लोगों ने हमारी जो योजनाएं थी वो देश हित में थी, लोगों के हित में थी, उनको जो कि देशपूर्ण व्यवहार करते हुए इनको पूरा नहीं किया। मायावती ने ये सब बोला है। आगे बोला है, वैसे भी प्रदेश व देश की साक्षी है कि घोर संकीर्ण राजनीति व जातिगत द्वेष आदि के कारण सपा व भाजपा सरकार ने BSP सरकार की योजनाओं के नाम ही नहीं बदले बल्कि उन्हें बंद निष्क्रिय करके जनहित व जन कल्याण के साथ घोर खिलवाड़ करने का काम किया है जो एक काला अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। यानी मायावती ने बोला एक काला अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। मायावती जी ने बोला कि बसपा सरकार में जो योजना चलाई थी उनको बंद, ना कि उनके नाम ही बदले बल्कि जो कि उनको बंद भी हुआ निष्क्रिय किया है। तो मायावती ने काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है इनकी ऐसी कार्यशैली पर। तो आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली है उसके बारे में कमेंट बताएं। मायावती ने जो आरोप लगाए वो कहाँ तक ठीक हैं वो आप अपनी कमेंट बता दें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।